सलमान खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। सलमान खान के साथ साथ उनका पूरा ही परिवार यानी कि खान परिवार भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है खान परिवार। खान परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहद अलग और खास योगदान दे रखा है। अक्सर खान फैमिली से कई बड़ी खबरें आती रहती हैं। रिसेंटली खबर आई है पॉपुलर और क्यूट कपल आयुष शर्मा और अर्पिता खान शर्मा को लेकर। अर्पिता आयुष शर्मा और अपने दोनों ही बच्चों के साथ खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि सलमान खान अपनी बहन अर्पिता से बेहद प्यार करते हैं। वहीं अर्पिता के दोनों ही बच्चों पर प्यार लुटाते हुए भी नजर आते हैं। रिसेंटली अर्पिता ने अपने दोनों बच्चों के लिए एक बेहद कड़ा फैसला लिया है, अपने पति आयुष शर्मा के साथ मिलकर। इस बात का खुलासा किया है खुद आयुष शर्मा ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। क्या कहते हैं आयुष शर्मा, किस तरह से उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान की लाडली प्यारी बहन अर्पिता खान शर्मा ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम न रखा हो, लेकिन अर्पिता हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं। अर्पिता एक्टर आयुष शर्मा और अपने दोनों ही बच्चों के साथ खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। 18 नवंबर साल 2014 में अर्पिता और आयुष शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी को अब तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और दोनों ही बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। वहीं अर्पिता और आयुष अब अपने दोनों ही बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला लिए हैं। सोशल मीडिया पर हमेशा ही अपने दोनों बच्चों आहिल और आयत की तस्वीरों को शेयर करते हुए नजर आते हैं आयुष और अर्पिता, लेकिन अब फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है जो किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने और उनकी पत्नी अर्पिता ने अपने दोनों बच्चों आहिल और आयत की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने का फैसला किया है। ये फैसला बच्चों को ट्रोलिंग से बचाने के लिए किया गया है और ये फैसला दोनों ही बच्चों को ट्रोलिंग से बचाने के लिए लिया गया है। इस बारे में आयुष कहते हैं कि अब बच्चे खुद तय कर सकते हैं कि वह आने वाले दिनों में इस दुनिया को समझने के लिए कितने बड़े हैं। आयुष शर्मा और अर्पिता ने ट्रोलिंग को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला ले लिया है। आयुष कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला उनके बच्चों की कुछ तस्वीरों पर अनावश्यक टिप्पणियों की वजह से लिया है, खासकर बेटी आयत को लेकर लोगों द्वारा जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आयुष कहते हैं कि बच्चों को लेकर लगातार ट्रॉल करना उनके लिए अनुचित है, इसलिए मैं और अर्पिता ने ये डिसीजन लिया है कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें वहां से बाहर करने की जरूरत नहीं है। आयुष कहते हैं कि मैंने अभी अभी फैसला किया है, हालांकि जब वे बड़े हो जाएं तो ये फैसला उनका हो जाएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में उनकी एंट्री के लिए कोई उम्र नहीं है, ट्रोलिंग के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, वे इस समय बहुत छोटे हैं। इस तरह से आयुष शर्मा ने अपने दोनों ही बच्चों के लिए ये कड़ा फैसला ले लिया है। आयुष के दोनों ही बच्चे आहिल और आयत अभी काफी छोटे हैं। आहिल शर्मा के बारे में बात की जाए, आहिल अभी 5 साल के हैं। साल 2016 में आहिल का जन्म हुआ था। वहीं आयत शर्मा अभी 2 साल की हैं। आयत शर्मा साल 2019 में 27 दिसंबर की
आयत का जन्म साल 2019 में हुआ था और ऐसे में देखा जाए तो अब उन्होंने सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला कर लिया है। अपने बच्चों को अब वह सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई स्टार किड्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करते हुए देखे जाते हैं। इसी वजह से आयुष और अर्पिता ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि स्टार किड्स जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करते हुए नजर आते हैं और उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आयुष और अर्पिता ने ये बड़ा फैसला ले लिया है, जो फैंस के लिए वाकई में किसी झटके से कम नहीं है। अब सोशल मीडिया पर आहिल और आयत की तस्वीरें फैंस को देखने को नहीं मिलेंगी। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।